नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम जीके पर मैं रंजीत पांडे आज आपके लिए फिर से नया वीडियो लेकर आया हूं और हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं टेस्ट लगाकर आप अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का ये प्रैक्टिस पेपर सबसे पहला प्रश्न है एट कोर सेक्टर उद्योगों द्वारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कितना प्रतिशत योगदान दिया जाता है तो आठ कोर सेक्टर के द्वारा जो उत्पादन सूचकांक है उसमें 40 तक ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर अच्छा, उर्वरक प्राकृतिक गैस रिफाइनरी स्टील ये सभी जो है कोर सेक्टर में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 30 अगस्त 2024 को बाधवान बंदरगाह की आधारशिला है कहां पर है तो मोदी जी ने बाधवान बंदरगाह की जो आधारशिला रखी है यह पालघर में है और पालघर पालघर कहां पर है महाराष्ट्र में ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र के पालघर में अगला क्वेश्चन आपके सामने है महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 11 से 20 नवंबर 2024 तक कहां पर आयोजित की जाएगी तो महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी 11 अगस्त से 20 अग, माफ करिएगा 11 नवंबर से 20 नवंबर तक ये आयोजित होगी ऑप्शन नंबर राजगीर बिहार में राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था राइट आंसर क्या हो जाएगा तो कुतुब मीनार प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी तो लाख बख्श की उपाधि जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी तो दिल्ली का वह सुल्तान जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक अगला क्वेश्चन है उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी तो उत्तर भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल करने के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था तो मोहम्मद गौरी जो है विजित प्रदेशों की देखभाल करने के लिए छोड़कर गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान जो है अल्तमस की बेटी थी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था तो दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन जो था यह नसीरुद्दीन का प्रधानमंत्री था ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली, दिल्ली सल्तनत का राज्य काल कब समाप्त हुआ था तो दिल्ली सल्तनत का राज्य काल समाप्त हुआ था ऑप्शन नंबर 1526 सौ ईस्वी में राइट आंसर है निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चेहाल गनी के विनाश का श्रेय दिया जाता है तो चेहाल गनी के विनाश का श्रेय दिया जाता है बलवन को राइट आंसर हो जाएगा चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था तो चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए इलतुतमिस के शासनकाल में भारत की सीमाओं पर हमला किया था स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है राइट right आंसर क्या हो जाएगा तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करती है मानव द्वीप आइलैंड ऑफ मैन कहाँ पर स्थित है तो मानव द्वीप आइलैंड ऑफ मैन जो है यह उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में है ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है सवाना चारागाह कहाँ पर पाए जाते, है? तो जाते हैं तो सवाना चारागाह यह पाए जाते हैं अफ्रीका में ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहां पर स्थित है तो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है तो समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला ऑप्शन नंबर हिमालय पर्वत श्रृंखला सही उत्तर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी जर्मनी में बहती है राइट आंसर क्या हो जाएगा तो जर्मनी में डेन्यूब नदी बहती है ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है विश्व में सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है तो विश्व में सबसे बड़ा द्वीप से निम्नलिखित देशों में से किस देश की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा तो निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ में जॉर्जिया की सीमा नहीं लगती है बाकी ईरान तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान ये सभी साझा करते हैं अफगानिस्तान से अपनी सीमा नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ पर होता है तो पुष्कर मेले का आयोजन जो है अजमेर में होता है ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पुष्कर मेले का आयोजन अजमेर में होता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है नॉर्मेंडी बीच कहाँ पर स्थित है नॉर्मेंडी बीच कहां पर स्थित है राइट right आंसर क्या हो जाएगा तो नॉर्मेंडी बीच जो है यह नीदरलैंड में स्थित है ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है तो महाराष्ट्र के संगीत रोकमंच का प्रसिद्ध रूप जो है यह लावनी है ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिए जाते हैं तो इस नृत्य शैली का नाम क्या होगा जिसका पूरा का पूरा का कथा भाव जो है महाभारत या रामायण पर आधारित होता है तो यह है कुचिपुड़ी कुछ आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नाट्य है और ये जो है लिया जाता है इसका कथा भाव महाभारत या रामायण से अगला क्वेश्चन है कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे तो कबीर हिंदी की स्थानीय भाषा अवधि में अपने सारे लेख लिखा करते थे राइट right आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में अंतर आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं सितार और वीणा में एक ही स्वर पर बजाए गए, एक ही प्रकार से बजाए गए स्वर में अंतर आप कैसे बजाय तो पर, पर, पर एक ही स्थान पर लगने वाले दो महाकुंभ मेलों के बीच में समय का अंतराल कितना होता है तो एक ही स्थान पर लगने वाले दो महाकुंभ मेलों के बीच में बारह वर्ष का अंतराल होता है राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बारह वर्ष का अंतराल अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाक संगीत में सुविख्यात है तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाक संगीत में सुविख्यात ऑप्शन नंबर बी एम एस सुबलक्ष्मी जी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर है चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कार्बुजिया किस देश का राष्ट्रीय था राष्ट्रिक था मतलब किस देश की उसको नागरिकता प्राप्त थी तो चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कार्बुजियर जो है यह फ्रांस का निवासी था फ्रांस का नागरिक था राष्ट्रिक था राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन है राइट आंसर क्या है तो प्रसिद्ध वायलिन वादक इनमें से ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर टी एन कृष्णन सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर है प्रोफेसर टी एन कृष्णन तो दोस्तों ये थे थर्टी क्वेश्चन का एम वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं चैनल पर नए हैं तो शेयर करें अपने ग्रुप में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अगर अंत तक देखा है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें अपने चैनल पर दिन में दो लाइव क्लास होती है सुबह साढ़े छः बजे से और रात में नौ बजे से आप इन दोनों लाइव क्लास में भी जुड़ सकते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम जीके के आज के इस नए वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं थर्टी एमसीक्यू और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग जो पेपर सेट हो रहा है उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो बनाया है तीस क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है पूरा वीडियो देखिए चेक करिए क्या ये क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं क्योंकि ये लेटेस्ट प्रश्न है एग्जाम में आने की हंड्रेड संभावना है आप याद कर लीजिए ओलंपिक so, से संबंधित पैरालंपिक के संबंधित नई नियुक्ति नए विचार जो भी अभी लेटेस्ट तौर पर चल रहे हैं उन सब से क्वेश्चंस लिए गए हैं तीस प्रश्न हैं पूरा वीडियो देखिए कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर वन पेरिस पैरालंपिक 2024 में किस भारतीय निशानेबाज ने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच वन में स्वर्ण पदक जीता है तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ये पदक जीता है अवनी लेखरा जी ने ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा महिला के द्वारा उपलब्धि हासिल की गई है तो ऑटोमेटिक ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जरूर पूछा जा सकता है अगला क्वेश्चन आपके सामने है किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित करने का आदेश दिया है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित करने का आदेश ब्राजील देश की, की सरकार ने दिया है राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ब्राजील देश की सरकार ने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रिजेक्ट करने का आदेश दिया है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगला प्रश्न है रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अच्छा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को समझ रहे होंगे तो मैं ये बता दूं कि ये एक प्रकार से ट्विटर जैसा ही प्लेटफॉर्म है जिसमें आपके लिए मैसेज करने की सुविधा होती है अपने विचार रखने की सुविधा होती है अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश ने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग सुदृढ़ यानी कि बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं तो भारत और मलेशिया देश ने पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है राइट आंसर हो जाएगा टूरिस्ट वीजा या पर्यटन से संबंधित यहां पर आपको हितायतें दोनों देशों की तरफ से मिलेंगी अगला क्वेश्चन आपके सामने है भारत में पहला दो दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहां पर शुरू हुआ है तो संयुक्त कमांडर सम्मेलन यह शुरू हुआ है लखनऊ में ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा और ये सचिव नियुक्त हुए हैं डॉक्टर टी सोमनाथन जी ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आगामी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 पर आ, का आयोजन कहां पर होगा तो आगामी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन लखनऊ कोची अहमदाबाद राजगीर तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए यह आयोजन राइट आंसर हो जाएगा किसमें होगा तो यह आयोजन होगा राजगीर में ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राजगीर में आयोजन होगा रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा मूडीज ने यह रेटिंग बढ़ाकर जो है 7.2 परसेंट कर दी है ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस नगर को नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया है यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा तो आपके पास ये चार ऑप्शन है पोखरा बुटवल धुली खेल और भरतपुर तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा धुलीखेल खेल ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अपने आप में बड़ी उपलब्धि है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर स्थापित करेगा राइट आंसर क्या हो जाएगा तो यहां पर आपके पास चार ऑप्शन है ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा साउथ टमटन विश्वविद्यालय ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यह विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर स्थापित करेगा भारतीय नौसेना अकेडमी एजीमाला के कमांडेंट का पदभार किसने संभाला है तो यहां पर सही उत्तर क्या हो सकता है प्रश्न के लिए आपके सामने ये चार ऑप्शन है तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सी आर प्रवीण नायर जी ने यह पदभार संभाला है राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने है फतेह मेह मोह जे रानी किस इस्लामिक देश में पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त हुई हैं तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ये नियुक्त हुई हैं ईरान में सही उत्तर है अगला क्वेश्चन है एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट के अध्यक्ष से पद से किसने इस्तीफा दे दिया है तो यह अध्यक्ष का पद अभी तक था मोहन लाल जी के पास में और इन्होंने अब इस पद से इस्तीफा दे दिया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष नए चुने गए हैं जय शाह सबसे कम उम्र के अध्यक्ष हैं आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 में भारतीय टीम की कप्तानी कौन करेगा तो आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगी हरमनप्रीत कौर जी ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने एनएसजी का महानिदेशक किसे बनाया है तो एनएसजी के महानिदेशक बने हैं ऑप्शन नंबर बी श्रीनिवासन राइट आंसर है पैरालंपिक खेलों का शुभारंभ या आगाज कहां पर हुआ है तो पैरालंपिक खेलों का आगाज या शुभारंभ जो है यह पेरिस में हुआ है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं आपातकालीन प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर भारतीय और रूसी आयोग की दूसरी संयुक्त तो बैठक कहां पर हुई है तो आप का, आपातकालीन सहयोग प्रबंधन को लेकर यह दूसरी बैठक हुई है मॉस्को में ऑप्शन नंबर ए मॉस्को सही उत्तर हो जाएगा किस इस्लामिक देश में पहली बार महिला सरकारी प्रवक्ता की नियुक्ति हुई है तो पहली महिला, महिला सरकारी प्रवक्ता की नियुक्ति ये ईरान देश में हुई है राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी ईरान प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तो ईरान में फतेह मेंह मोह जेरानी का मैंने आपको अभी बताया था इससे पहले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है बयालीसवें माफ करिएगा चौबीसवें अंतरराष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ पर हुआ है तो चौबीसवें अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का जो यह शुभारंभ या आयोजन दुबई में हुआ है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में सलीम अल होस का चौरानवे वर्ष की आयु में निधन हो गया है आपको बताना है सलीम अल होस जी इनमें से कौन है तो सलीम अल होस जी एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ है राइट आंसर हो जाएगा अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप 2024 कहां पर आयोजित हुई है तो अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जो है यह अम्मा जॉर्डन में आयोजित हुई है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में किस राज्य ने पहली बार अर्ध जंगली गोजातीय प्राणी मिथुन बोस फ्रंटलिस्ट को दर्ज किया है तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा यह असम में जनजाति जो है यह जाति जो है एनिमल की गो जाति प्राणी मिथुन की जाति जो है दर्ज हुई है वहां पर प्राप्त होने की नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू किया है इंपॉर्टेंट है जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा शुरू की जाती हैं वो पूछी ही जाती है तो हिमाचल प्रदेश प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू किया है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत बायोई थ्री नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है तो बायोई थ्री नीति का प्राथमिक उद्देश्य जैव निर्माण को बढ़ावा देना है सही उत्तर हो जाएगा विज्ञान धारा, तो धारा योजना के प्रबंधन के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है तो विज्ञान धारा योजना के प्रबंधन के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग संबंधित है राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं केंद्रीय -ले मंत्रालय ने किस केंद्रीय मंत्रालय ने खादी रक्षा सूत्र लॉन्च किया है राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए तो खादी रक्षा सूत्र जो है सूक्ष्म लघु और उद्यम मध्यम उद्यम मंत्रालय ने लॉन्च किया है भारत ने नागरिक उड्डयन से सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है तो नागरिक उड्डयन में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने न्यूजीलैंड के साथ में समझौता किया है किस राज्य ने विरोधी कानून का मसौदा तैयार करने के लिए तीन सदस्यीय पैनल का गठन किया है तो तीन सदस्यीय पैनल का गठन ये असम राज्य सरकार के द्वारा किया गया है सही उत्तर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है भारत ने जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन के तहत पौधारोपण कार्यक्रम के तहत किस देश से खजूर का पेड़ आयात किया है तो खजूर का पेड़ आयात हुआ है सऊदी अरब से ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हाल ही में ई पत्रिका सपनों की उड़ान का सबसे पहला संस्करण इनमें से किसके द्वारा अनावरित किया गया है तो आपके पास ये चार ऑप्शन है पीयूष गोयल निर्मला सीतारमण जी धर्मेंद्र प्रधान मनोहर लाल खट्टर तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा यह अनावरण हुआ है राइट आंसर हो जाएगा तो दोस्तों ये थे आज के तीस क्वेश्चन कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम जीके पर हम आपके लिए लेकर आए इस वीडियो में हंड्रेड वन लाइनर प्रश्न जो कि रिपीट पर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं अभी ए ग्रुप डी और एन के एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन रामबाण है क्योंकि रेलवे इन्हीं प्रश्नों को बार बार पूछता है तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो पूरे क्वेश्चंस देखिए और हमारे चैनल पर होने वाली लाइव क्लास में भी आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दिन में तीन लाइव क्लास होती है करेंट अफेयर्स जीके और साइंस की तो चलिए अभी ये वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है तो इसे देशांतर रेखा कहते हैं स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है तो पृथ्वी की बाह पपड़ी स्थल मंडल कहलाती है खैबर दर्रे से कौन से दो देश जुड़े हुए हैं तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान देश जुड़े हुए हैं निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं तो कोसी नदी सही उत्तर हो जाएगा 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया था तो यह नाथुला दर्रा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है बेतवा नदी कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कहलाती है तो महानदी उड़ीसा का शोक कहलाती है पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहे की प्रधानता है तो नीफे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कौन सी नदी ऐश्वर्य डेल्टा नहीं बनाती है तो महानदी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बोस्निया का सबसे प्रमुख पर्वत कौन सा है तो डिनेरिक आल्पस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कोला प्रायद्वीप इनमें से किस देश में है तो यह रूस देश में स्थित है छोटा नागपुर पठारी प्रदेश का सबसे प्रमुख नगर कौन सा है तो रांची प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है तो एनारकुलम सही उत्तर है विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा है तो नेपाल प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी की अनुमानित आयु कितने वर्ष है तो 400 करोड़ वर्ष है 1902 में भारत ने भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कहां पर स्थापित हुई थी तो यह शिव समुद्र जलप्रपात राइट आंसर हो जाएगा भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन किस स्थान पर आरंभ हुआ था तो रानीगंज सही उत्तर है निम्न में से किसकी वृद्धि प्रतिशत में देश में सबसे तीव्र गति से हो रही है तो महिला साक्षरता सही उत्तर हो जाएगा निर्माण की दृष्टि से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है तो आग्नेय सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थित इनमें से कौन नहीं है ऑप्शनल क्वेश्चन था अमरनाथ गुफाएं सही उत्तर हो जाएगा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहां पर है तो फिलीपींस में है किस क्षेत्र में विश्व का सर्वाधिक पशुओं का मांस उत्पादित होता है तो पंपास क्षेत्र अर्जेंटीना सही उत्तर हो जाएगा कौन सी ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है तो ग्रेसर सही उत्तर हो जाएगा कौन पृथ्वी का एक स्थायी खंड नहीं है तो हिमालय पृथ्वी का स्थायी खंड नहीं है इसमें बदलाव निश्चित होते रहते हैं आधात्विक खनिज इनमें से कौन सा है तो जिप्सम सही उत्तर हो जाएगा प्रत्वी की? प्रत्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल का हटा हुआ अगर माना जाए तो आसमान कैसा दिखेगा तो वायुमंडल ना हो तो काला दिखेगा आसमान कौन सी नदी पक्षी पक्षीपाट डेल्टा का निर्माण करती है तो मिसिसिपी नदी पक्षी पक्षीपाट डेल्टा का निर्माण करती है इनमें से सुमेलित कौन है तो आयरन एंथ्रेसाइड ये लोह अयस्क जो है यह सुमेलित नहीं है एंथ्रेसाइड कोयला हो जाता है आयरन आपका लोहा हो जाता है तो अयस्क और धातु से संबंधित क्वेश्चन था तो डायरेक्ट ऑप्शन का आंसर है ये आयरन और एंथ्रेसाइड सुमेलित नहीं है सिल्वरी आ, सरी कल्चर सरिकल्चर कल्चर में किसके उत्पादन से संबंधित है तो यह रेशम के उत्पादन से संबंधित है, तो है। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है तो अयप्पा जी का मंदिर है केरल में स्थित है सबरीमाला मंदिर सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है तो अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी श्रृंखला है ओंकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र से, से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है तो पांच सौ बीस मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न होती है तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है तो यह झेलम नदी से संबंधित है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है तो यह नर्मदा नदी पर है मालवीड प्रक्षेप से प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है तो मालवीड प्रक्षेप शुद्ध क्षेत्रफल से संबंधित है सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया है तो ग्रीक भाषा में किया गया है गहरी जड़ों वाली फसलें इनमें से कौन सी मिट्टी की सर्वाधिक उपयुक्त प्राप्त करती हैं तो काली मिट्टी में गहरी जड़ों वाली फसलें ज्यादा होती हैं निम्नलिखित में से किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है तो गन्ना प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा निम्न में से किसकी गणना नगदी फसल के अंतर्गत की जाती है तो कपास चाय जूट ये सब नगदी फसल हैं माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व में दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है तो माउंट केटू गार्डविन में है नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है तो इन्हें हम तटबंध के नाम से जानते हैं कली मंथन जिस द्वीप का अंग है वह कौन सा है तो बोर्नियो द्वीप का अंग है खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का हिस्सा है वह कौन सा है तो यह बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का हिस्सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो जैसलमेर है कौन सी जलधारा एटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है तो सुषीमा जलधारा सही उत्तर हो जाएगा ठंडी तथा तो भारी भारी वायु द्वारा गर्म एवं हल्की हल्की आयु के ऊपर उठने से निर्मित वाताग्र क्या कहलाता है तो इसे शीत वाताग्र कहते हैं किस उद्योग को धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार कहते हैं तो लोह इस्पात सही उत्तर हो जाएगा निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है तो ज्वालामुखी सही उत्तर है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मैन सेंट्रल थर्स्ट कहां पर स्थित है तो बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में स्थित है प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है तो जस्ता सही उत्तर हो जाएगा भारत में देश का पहला दिया सिलाई बनाने का कारखाना उन्नीस में किस स्थान पर स्थापित किया गया था आज भी सुचारू रूप से चल रहा है तो यह अहमदाबाद में है सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है तो सोलह सो डिग्री सेल्सियस है संध्या काल में सर्वाधिक लाल दिखने वाला मेघ कौन सा है तो यह पक्षाभ मेघ है पृथ्वी के आंतरिक वातावरण में इनमें से क्या नहीं था तो ऑक्सीजन नहीं था बेंगुला की धारा कौन सी है तो ठंडी धारा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा किस प्रकार के मौसम में नुकीली पत्ती वाले पाए जाते हैं तो साइबेरियन सही उत्तर हो जाएगा ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है तो ऑस्ट्रेलिया है वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है तो यह देहरादून में है भारत किसके कारण उष्ण कटिबंधीय देश कहलाता है तो अक्षांशीय विस्तार के कारण उष्ण कटिबंधीय देश कहलाता है कोईल कारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है तो बिहार राज्य में स्थित है भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए रिजेक्ट कर दिया गया है राइट आंसर इसका बता देंगे हम आपके लिए लाइव क्लास में आप जरूर आइएगा कुद्रेमुख लोक खनिज परियोजना इनमें से किस राज्य में स्थित कर्नाटक में है खनिज तेल के भंडार मुख्यतः तो किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं तो औसादी या परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं भारत की जलवायु सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है तो पवनों का वितरित स्वभाव प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं तो कोरोमंडल तट कहते हैं छोटा नागपुर का पठा जिस संसाधन में समृद्ध है वह कौन सा है तो खनिज संसाधन में समृद्ध है कोपली जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी है तो कोपली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद कौन से हैं तो खाने योग्य तेल आयात मद है भारत में नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहां पर है तो यह कोची में स्थित है दक्षिणी ध्रुव लगातार सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है तो शरद अयत समय में ओजोन परत कहाँ स्थित है तो यह समताप मंडल में स्थित है वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होते हैं तो क्षोभ मंडल के कारण होते हैं तो है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है तो नाइट्रोजन है कौन सा उच्च मेघ है तो पक्षाप मेघ उच्च मेघ है कौन वर्षण का प्रकार नहीं है तो कोहरा वर्षण का प्रकार नहीं है समुद्री तट के सहारे कोहरे का निर्माण का कारण क्या है तो अभिवहन के सिद्धांत पर होता है यह दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है तो गोदावरी नदी का थाला मतलब स्थान ग्रहण करने का सबसे बड़ा है शस्य गहनता की दृष्टि से भारत का समृद्ध राज्य कौन सा है तो पंजाब प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है तो ग्यारह प्रतिशत भाग कृषि योग्य है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है तो अरस्तु ने सबसे पहले यह बात कही थी नदियों के जल में प्रदूषण की माप कैसे की जाती है तो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा को देखकर करते हैं अलमत्ती बांध किस नदी पर स्थित है तो यह कृष्णा नदी पर स्थित है रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में स्थित नगर कौन सा है तो हनोई नगर स्थित है माकासार जल संधि इनमें से किसको अलग करती है तो जावा और सारावाक को अलग करती है न्यूमूर द्वीप निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है तो यह बंगाल की खाड़ी में है लैपी इसके क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है तो काश से संबंधित स्थलाकृति है औद्योगिक नीति में सरकारी नियंत्रण के क्षेत्र में रखे गए उद्योगों की संख्या कितनी है तो अठारह उद्योग हैं कांगो नदी घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है तो भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है 1902 में भारत की सबसे पहली जलविद्युत परियोजना कहां पर स्थापित हुई थी तो यह शिव समुद्र में स्थापित हुई थी भारत में सर्वप्रथम लोहे का उत्खनन इनमें से किस स्थान पर आरंभ हुआ था तो रानीगंज में आरंभ हुआ था विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जुआ कोटोपैक्सी कहां पर है तो यह फिलीपींस में स्थित है कौन सी स्थलाकृति ज्वाला क्रिया से संबंधित नहीं है तो ग्रेसर सही उत्तर हो जाएगा नीली क्रांति किससे संबंधित है तो मत्स्य पालन से संबंधित है काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है तो कपास सही उत्तर हो जाएगा जैव पदार्थों से भरपूर मिट्टी कौन सी है तो काली मिट्टी है किस मिट्टी का निर्माण बैशाल चट्टानों के विखंडन से हुआ है तो काली मिट्टी सही उत्तर हो जाएगा किस मिट्टी की कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है तो काली मिट्टी सही उत्तर है भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जानते हैं तो रेगुड़ मिट्टी कहते हैं ग्रेनाइट और नाइस चट्टाने किस प्रकार का मिट्टी का निर्माण होता है तो लाल मिट्टी का निर्माण होता है तो दोस्तों ये था सेट पेपर कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं लाइव क्लास में जुड़े और अपने दोस्तों को भी जरूर सब्सक्राइब करने के लिए सजेस्ट करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार दोस्तों एग्जाम जीके के आज के इस नए वीडियो में बहुत ही खास क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं क्योंकि मैं एक साथ साइंस के 250 प्रश्न एक ही वीडियो में लेकर आया हूं और अभी रेलवे के जो एग्जाम आ रहे हैं उनमें ये प्रश्न 100 परसेंट पूछे जाएंगे क्योंकि ये रिपीटेड प्रश्न है तो वीडियो अंत तक पूरा देखिएगा और चेक कर लीजिए क्या ये प्रश्न आपसे बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं तो ढाई क्वेश्चन अगर आपने याद कर लिए तो जीके का साइंस सेक्शन जो है आपका कभी गलत नहीं होगा तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और हमारे चैनल की लाइव क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मैं रोज तीन लाइव क्लास चैनल पर ले रहा हूं करंट अफेयर्स साइंस और जीके की जिससे आपका नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट जो है काफी स्ट्रॉन्ग हो जाए तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है तो वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और उसे गिरने से बचाएगा यह तेल की बूंद पानी पर क्यों फैल जाती है तो जल का तनाव अधिक होता है इस कारण से वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है तो समान वेग और परिवर्तित त्वरण का उदाहरण है पहाड़ों पर जल कम तापमान पर क्यों उबलने लगता है तो पहाड़ों पर वायुदाप कम होता है इस कारण से कैट किस सिद्धांत पर काम करता है तो न्यूटन के तृतीय नियम पर कैट जो है यह सिद्धांत करता है रॉकेट जो है रॉकेट न्यूटन के तृतीय नियम पर सिद्धांत पर काम करता है बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं तो अपने कम घनत्व को लेकर यह वायुमंडल में तैरते हैं लोलक की कलावधि किस पर निर्भर करती है तो लोलक के पेंडुलम की लंबाई जो होती है उसके ऊपर निर्भर करती है पिंड का भार शून्य कहाँ पर होता है तो पृथ्वी के केंद्र में किसी भी पिंड का भार जो है वह शून्य होता है किसी पिंड का वजन किस के केंद्र में प्रतिक्रिया करता है तो किसी पिंड का वजन जो है गुरुत्वाकर्षण के केंद्र में जो है प्रतिक्रिया करता है बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं तो निम्न घनत्व के कारण तैरते हैं ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है तो वह घट जाता है पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे क्यों झुकता है तो स्थिरता को बढ़ाने के लिए आगे झुकता है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है तो अब केंद्र की क्रिया पर आधारित है किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ेगा कब तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो जल का वाष्प परिवर्तन क्या कहलाता है तो यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है सही उत्तर हो जाएगा हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है तो वायुदाब में कमी के कारण ऐसा होता है कार्य का मात्र क्या है तो जूल प्रश्न का सही उत्तर है द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का मुख्य कारण क्या है तो यह पृष्ठ तनाव है वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है तो सतही तनाव के कारण प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी बन जाता है तो पानी का क्वनाक बढ़ जाता है वारिश की बूंदें किसके कारण गोल होती हैं तो तनाव के कारण होती हैं धातु की शुद्धता निर्धारण किसकी सहायता से करते हैं तो आर्गमिडीज के सिद्धांत की सहायता से करते हैं तो है।। वॉशिंग मशीन के सिद्धांत पर काम करती है तो अपने के सिद्धांत पर काम करती है न्यूटन से किसका मात्रक है तो यह संवेग का मात्रक है गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है तो पृथ्वी के स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है गुरुत्वीय त्वरण का मान लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है तो अपने प्रश्न के गुण के कारण तैरती है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है तो प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी की इकाई है, है तो सबसे हो तो सब अधिक होगा तो अंटार्क्टिका कैंप में यानी कि ध्रुवों पर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दो धातुओं के बीच घर्षण का कारण क्या है तो उनके प्रश्न में अनियमितता यह मुख्य कारण है मूथरे चाकू से चीजें काटना क्यों मुश्किल है तो किसी दिए गए बल के लिए दाब को मोथरा चाकू कम कर देता है इसीलिए मोथरा चाकू मतलब एकदम नुकीला चाकू ये हो गया और मोथरा चाकू जो थोड़ा सा कटा-फटा हो जिसकी धार ना हो वो मोथरा चाकू है ना तो उससे कोई चीज नहीं कटती है गुरुत्वाकर्षण केंद्र सार्वत्रिक नियम किसने दिया था तो न्यूटन ने दिया था वॉशिंग मशीन किस, किस सिद्धांत पर काम करती है तो सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स पर काम करती है कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है तो शक्ति कहलाती है अच्छा दोस्तों कई लोग सोच रहे होंगे कि सेम क्वेश्चन बार बार क्यों आ रहा है तो मैंने आपसे पहले ही बताया कि रिपीटेड प्रश्न है अलग अलग क्वेश्चन पेपर में अलग अलग तरीके से सेम प्रश्न अलग तरीके का आंसर दे पूछा गया है तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है तूफान से घरों की छतें क्यों उड़ जाती हैं तो बर्नोली के सिद्धांत के कारण यह होता है वर्षा की बूंद का आकार किसके कारण गोलाकार होता है तो प्रश्न तनाव प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बैरोमीटर से क्या मापते हैं तो वायुमंडलीय दाब मापते हैं विद्युत प्रवाह की इकाई क्या होती है तो एम्पियर सही उत्तर हो जाएगा कोई व्यक्ति बर्फ की सख्त सतह पर चल कैसे सकता है तो उसे रोलर स्केट्स के इस्तेमाल करना चाहिए की इकाई क्या है तो न्यूटन प्रति मीटर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कार्य की इकाई क्या है तो जूल प्रश्न का सही उत्तर है डेसिबल इकाई का प्रयोग क्या मापने में होता है तो ध्वनि सही उत्तर है किसी वस्तु का भार सबसे कम कहां पर होगा तो पृथ्वी के केंद्र में होगा हज क्या मापने की यूनिट है तो तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट है लिफ्ट में मनुष्य का वजन कब कम रहता है तो जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो तब कम रहता है प्रकाश वर्ष मात्रक क्या है तो प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक है रॉकेट के सिद्धांत पर काम करता है तो संवेग रूपांतरण के सिद्धांत पर काम करता है प्रदीप्ति का मात्र क्या है तो कैंडेला प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वायु की गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं तो इसे हम चालन कहते हैं सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है तो विकरण विधि के द्वारा पहुंचती है भूमंडलीय तापन का कारण क्या है तो पेड़ों को काटना मुख्य कारण है ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है तो जीरो डिग्री सेंटीग्रेड है कैलविन मान में मानव शरीर का तापमान कितना होता है तो तीन सौ दस कैलविन होता है रेफ्रिजरेटर के थर्मोस्टेट का काम क्या है तो एक समान तुरंत को बनाए रखना सही उत्तर हो जाएगा शीतकाल में कपड़े गर्म क्यों रखते हैं तो शीतकाल में कपड़े शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं बॉल पेन के सिद्धांत पर काम करता है तो गुरुत्व या बल के सिद्धांत पर काम करता है अपेक्षित आद्रता को किस रूप में व्यक्त करते हैं तो प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होगा तो चार डिग्री सेंटीग्रेड सही उत्तर हो जाएगा आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है तो इसे संवहन कहते हैं दो रेलों के मध्य जोड़े पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है और ठंडे होने पर संकुचित होती है इसीलिए अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपें क्यों फट जाती हैं तो पानी में पाइप में पानी जमने के कारण ऐसा होता है विकरण पायरो कितना तापक्रम मापा जा सकता है तो विकरण पायरोमीटर से 500 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर का तापक्रम मापा जा सकता है पानी का त्रिणात्मक बिंदु क्या है तो माइनस दो सौ तिहत्तर दशमलव एक छह डिग्री कैलवन सही उत्तर हो जाएगा इंसुलेशन आयतन इस इंसुलेशन आपतन का अर्थ क्या होता है तो सौर आने वाली सौर विकरण को इंसुलेशन के नाम से जानते हैं जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है तो माइनस फोर डिग्री सेंटीग्रेड सही उत्तर हो जाएगा या माफ करिएगा फोर डिग्री सेंटीग्रेड इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है तो एक होती है ठोस से गैस में बदलना क्या कहलाता है तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है तो जल का बढ़ जाता है इस कारण से. प्रेशर कुकर में उबल जाता है, जल्दी चावल पक जाते है बर्फ को बुरादे में पैक करते हैं है? तो बुरादा ऊषमा का कुचालक होता है बर्फ पिघलने से रोकता है ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है तो ध्वनि अनुधैर्य तरंग के रूप में यात्रा करती है ध्वनि की गति सबसे तेज किसमें होगी तो किसी भी ठोस में ध्वनि की गति सबसे ज्यादा होगी ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है तो ध्वनि प्रदूषण की यूनिट जो है है डेसिबल ध्वनि किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं तो परावर्तन के गुण के गुण कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं प्रभाव किससे संबंधित है तो यह ध्वनि से संबंधित है ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है तो यह आयाम पर निर्भर करती है ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होगी तो वायु की अपेक्षा लोहे में यानी ठोस में ज्यादा चाल होगी हॉल में ध्वनि की प्रतिध्वनि निरंतर होने का कारण क्या है तो परावर्तन की घटना सही उत्तर हो जाएगा ग्रीन मफलर क्या है तो ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करना चाल मापने की की इकाई 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 क्या है तो मैक है 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 तो तो मैक आवृत्ति किसकी यह श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है तो विक्षेपण कहलाता है स्नेल का नियम किससे संबंधित है तो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है तो प्रकर्णन सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन का कौन सा गुण उत्तरदायी है तो मध्य का का कोण जो है प्रकाश के अपवर्तन के लिए उत्तरदायी कारण है संक्रमण आयन किससे प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं तो दृश्य क्षेत्र से, से प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ज्योति तीव्रता का मात्र क्या है तो कैंडला है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है तो आठ मिनट और बीस सेकंड लगभग सही उत्तर हो जाएगा लेंस की क्षमता किससे मापी जाती है तो डायप्टर से मापते हैं साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है तो बहुलित परावर्तन और वतीकरण का परिणाम है वाहनों के पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं तो उत्तल दर्पण सही उत्तर हो जाएगा अस्त तो होते समय सूर्य हमें लाल दिखाई देता है तो प्रकर्ण के कारण ऐसा होता है मृग तृष्णा किसका उदाहरण है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है हीरे का चमकदार क्यों दिखाई देता है तो हीरा जो है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण चमकदार दिखाई देता है मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रकाश का रंग निश्चित कैसे किया जाता है तो तरंग दैर्ध्य के द्वारा समुद्र के पानी का रंग नीला क्यों होता है तो जल के अणुओं द्वारा नीचे प्रकाश का प्रकीर्णन करने के कारण सूर्य की किरणों को कितने रंग में बांटा गया है तो सात रंग हैं। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था तो प्रकाश प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए मिला था सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था तो उन्नीस में मिला था कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है तो अवतल लेंस सही उत्तर हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किसमें करते हैं तो संचार में करते हैं इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं तो सात रंग होते हैं ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है तो दो फिलामेंट फ्लोरोसेंट पदार्थ एवं पारा वाष्प प्रश्न का सही उत्तर है अप्रभावी तरंग कैसे बनती है तो विपरीत दिशा में चलित समान आकृति की दो तरंगें होती हैं अप्रभावी तरंगें लाल रंग की तरंगदैर से अधिक तरंगदैर के प्रकाश को क्या कहते हैं तो उसे अवरक्त तरंग कहते हैं अवरक्त प्रकाश कहते हैं जल सतह पर तेल की पतली रंगीन परत क्यों दिखाई देती है तो व्यतीकरण के कारण ऐसा होता है प्रकाशीय फाइबर के सिद्धांत पर काम करता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है तो रैले प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है तो ध्रुवण की परिघटना के कारण सुनहरी दिखाई देती है इंद्रधनुष किस कारण से बनता है तो अपवर्तन परावर्तन के कारण बनता है प्राथमिक रंग कौन कौन से है तो लाल नीला हरा प्राथमिक रंग है तारे का रंग क्या दर्शाता है तो तापमान दर्शाता है प्रकाश की अधिकतम गति किस माध्यम में होती है तो निर्वात सही उत्तर हो जाएगा पेरेस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है तो परावर्तन और अपवर्तन के नियम पर काम करता है उच्चतम तरंग दैर्द किस रंग में मिलती है तो लाल रंग में मिलती है यदि वायुमंडल ना हो तो आकाश कैसा दिखाई देगा तो काला दिखाई देगा सितारे का रंग क्या दर्शाता है तो तापमान दर्शाता है लाल फूल को हरे प्रकाश में रखने पर कैसा दिखेगा तो यह काला दिखेगा पानी में रखी पेंसिल मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई दिखाई देती है रंगों के समूह को क्या कहते हैं तो इन्हें वर्णपट्टी कहते हैं अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है तो काला दिखाई देता है छाया गठन किसके द्वारा समझाया जा सकता है तो प्रकाश का सीधा प्रसार प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कोहरे में हम क्यों नहीं देख पाते हैं तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हम नहीं देख पाते हैं रमन का प्रभाव किससे संबंधित है तो प्रकाश से संबंधित है प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है तो निर्वात में होता है आंखों की रेटिना किस तरह काम करती है तो कैमरे की फिल्म की तरह काम करती है इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है तो लाल रंग होता है रेल इंजन चालक के लिए किस प्रकार की मोटर संस्कृत होती है तो डीसी श्रेणी की मोटर रेल इंजन में होती है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है तो नाइट्रोजन भरते हैं फ्यूज तार का प्रयोग किस में करते हैं तो सर्किट के प्रवाहित होने वाली धारा को रोकने के लिए अधिक धारा को रोकने के लिए

बॉक्स में लोहे की सुई होती है मैग्नेटिक जिससे लोहा जो है मैग्नेटिकुमक से आकर्षित होता है और चुम्बक चुम्बक दिशा में जाती है और वो उत्तर दक्षिण को दर्शाती है ठीक है है अगला क्वेश्चन विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग करते हैं तो यूरेनियम प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है टंगस्टन का गलनांक कितना है तो तीन हजार डिग्री सेंटीग्रेड है टेस्ला चुंबकीय इकाई है किसकी तो टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है में करोड़ के रूप में किसका करते हैं तो मृदु कोयले का इस्तेमाल करते हैं विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग कहाँ होता है तो सुरक्षा के लिए होता है बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत क्या है तो विद्युत अब है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है तो टंगस्टन का मुक्त रूप से निलंबित चुंबकी सुई किस दिशा में संकेत करती है तो उत्तर दिशा में संकेत करती है चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर संकेत करती है तो चुंबकीय उत्तर एवं चुंबकीय दक्षिण की ओर विद्युत मात्रा की इकाई क्या है तो एम्पियर है विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा होती है तो रासायनिक ऊर्जा होती है एम्पियर घंटा किसका मात्रक है तो आवेश की मात्रा का मात्रक है बिजली के करंट की माप की इकाई क्या है तो एम्पियर प्रश्न का सही उत्तर है विद्युत इंजेक्शन की घटना को क्या कहते हैं तो चुम्बकीय के, के, तो के द्वारा या डायनेमो के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है तो ओम सही उत्तर हो जाएगा विद्युत बल्ब का तंतु तंगस्तन से क्यों बनता है तो तंगस्तन का गलनांक उच्च होता है इसीलिए विद्युत धारा की मात्रा को कैसे मापते हैं तो एमीटर से मापते हैं सीएफएल का पूरा नाम क्या है तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गैर पारंपरिक ऊर्जा क्या है तो नाभिकीय ऊर्जा सही उत्तर है किसी किस किरण की भेदन क्षमता अधिक होती है तो गामा किरण सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है तो नियंत्रण विखंडन द्वारा होती है देहली आवृत्ति क्या होती है तो जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं वह देहली आवृत्ति है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ तो उन्नीस में हुआ था सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है तो अवरक्त प्रकाश सही उत्तर हो जाएगा सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से पैदा होती है तो हाइड्रोजन सेलियन से पैदा होती है नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है तो नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती जबकि परमाणु बम में श्रृंखला अभिक्रिया होती है सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है तो नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है तारे अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं तो नाभ के की प्रक्रिया से प्राप्त करते हैं एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है तो सौर सेल सही उत्तर है लेजर बीम का उपयोग किस में होता है तो आंख की चिकित्सा में और भी कई चीजों में होता है परमाणु पाइल का उपयोग कहाँ पर करते हैं तो नाभ के विखंडन में प्रचालन के लिए करते हैं भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है तो तारापुर सही उत्तर हो जाएगा डायोड से धारा कितनी दिशा में बहती है तो एक ही दिशा में बहती है रडार का प्रयोग किस लिए करते हैं तो जहाजों वायुयानों आदि को ढूंढने और मार्ग निर्देशित करने के लिए करते हैं सिल्वा क्या है तो फ्रांस द्वारा प्रायोजित यूरेनियम संवर्धन की परमाणु लेजर विधि है विद्युत चुंबकीय के तरंगे क्या होती हैं तो यह एक प्रकार से एक्स किरणों की तरह काम करती है सौर ऊर्जा का स्त्रोत क्या है तो नाभिकीय संलयन है क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग कहां पर होता है तो रॉकेट टेक्नोलॉजी में होता है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया क्या कहलाती है तो रेडिएशन कहलाती है ओजोन छिद्र सबसे अधिक किसके ऊपर बने हैं तो अंटार्कटिका के ऊपर बने हैं ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया था तो जॉनी स्कैपलर ने किया था रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है तो मंगल ग्रह सही उत्तर हो जाएगा सूर्य ग्रहण कब होता है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तब चांद पर उतरने वाला पहला मनुष्य कौन था तो नील आर्मस्ट्रांग था इसरो का फुल फॉर्म क्या है तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सही उत्तर है गैलीलियो गैलीली कौन थे तो यह एक खगोल वैज्ञानिक थे आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है तो साइरस सही उत्तर हो जाएगा किस ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लगता है तो जो सबसे दूर है प्लूटो सही उत्तर हो जाएगा सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है तो बृहस्पति है पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर कब पड़ती है तो चंद्र ग्रहण के समय पड़ती है तारों का रंग किस पर निर्भर करता है तो उनके तापमान पर निर्भर करता है ब्लैक होल क्या है तो यह कोलैप स्टार है राइट आंसर हो जाएगा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है तो लगभग आठ मिनट बीस सेकंड सही उत्तर हो जाएगा ब्लैक होल्स क्या होते हैं तो त्रिविम में एक ऐसी जगह जहां गुरुत्वाकर्षण प्रकाश किरण पुंज को भी बाहर नहीं निकलने देता वह ब्लैक होल है सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है तो बुध ग्रह सही उत्तर हो जाएगा ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी तो एस चंद्रशेखर जी ने दी थी वेगनाथ साहा किस योगदान के लिए जाने जाते हैं तो खगोलीय भौतिकी में एस्ट्रोफिजिक्स में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं सोलर सिस्टम को किसने खोजा था तो कैप्लन ने सोलर सिस्टम को खोजा था हे ब्रिज से किसको मापते हैं तो इंडक्शन को मापते हैं सोनार अधिकतम प्रयोग कहाँ पर लाया जाता है तो नौ संचालकों के द्वारा लाया जाता है सहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ है तो कलकत्ता में है रडार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था तो रॉबर्ट वॉटसन के द्वारा किया गया था नियॉन लैम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था तो लुई प्रिंस के द्वारा किया गया था नैनोमीटर का उपयोग किसमें करते हैं तो गैसों के दाब को मापने के लिए करते हैं

राइट right ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया है तो विमान का आविष्कार किया है एक्सरे का आविष्कार किसने किया है तो ने किया है सुरो की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो कहते हैं हैं तो तो भौतिक विज्ञान का प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है तो विलियम रॉनचन है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के क्वांटम सिद्धांत की व्याख्या के लिए मिला था क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था तो मैक्स प्लांक ने किया था डेसिबल का प्रयोग किससे मापने के लिए होता है तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए होता है दो वस्तुओं के मध्य कोणीय दूरी को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं तो स्पेक्टेंट या सेक्सटेंट प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है तो बैरोमीटर सही उत्तर है मैनोमीटर का उपयोग किसके लिए करते हैं तो दाब मापने के लिए करते हैं इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार किसने किया था तो एडिसन ने किया था नाभिक दिक्सूचक में कितने बिंदु होते हैं तो बत्तीस बिंदु होते हैं सौरमंडल की खोज किसने की थी तो कॉपर निकस ने की थी प्रकाश का वेग किससे मापते हैं तो रोमर के द्वारा मापते हैं समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं तो फैदोमीटर सही उत्तर हो जाएगा पंडुब्बी में समुद्र की सतह के ऊपर की चीजें देखने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है तो पेरास्कोप प्रयोग होता है हवा की गति किससे मापते हैं तो एनिमोमीटर से मापते हैं तो है। दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी को किससे मापा जाता है तो सेक्सटेंट यानी कि सस्टक से मापते हैं रिमोट कंट्रोल का आविष्कार किसने किया था तो निकोला टेस्ला ने किया था दूर की चीज़ें किसकी सहायता से देख सकते हैं तो टेलीस्कोप से हम देख सकते हैं पर्यावयनी किरणों की खोज किसने की थी तो जॉन्स विलहम रिटर ने की थी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है इस बात को, को किसने सबसे पहले कहा था तो कॉपर ने कहा था सापेक्ष आद्रता किससे मापते हैं तो हाइग्रोमीटर से मापते हैं तापमान को किससे मापा जाता है तो थर्मामीटर से मापा जाता है वायु की आद्रता किससे मापते हैं तो हाइग्रोमीटर से मापते हैं आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए मिला था पायर हीलियोमीटर से क्या मापते हैं तो सोलर रेडिएशन को मापते हैं विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक की याद में मनाते हैं तो सीवी रमन की याद में मनाते हैं सुरंग निर्माण में कौन सा रेल इंजन प्रयोग करते हैं तो स्टोरेज बैटरी वाला रेंज इंजन प्रयोग करते हैं रेल की पटरी किस धातु की बनी होती है तो उच्च गति के इस्पात की धातु की बनी होती है रेलगाड़ियों में डायनोमीटर कार का प्रयोग किसके लिए होता है तो पटरियों की अवस्था रिकॉर्ड करने के लिए डायनेमोमीटर कार का प्रयोग करते हैं रेल की पटरी में फिश प्लेट का काम क्या है तो दोनों पटरियों को जोड़े रखने के लिए फिश प्लेट प्रयोग की जाती है पहली विज्ञान कांग्रेस जनवरी 1914 में कहां पर आयोजित हुई थी तो कलकत्ता में आयोजित हुई थी नॉटिकल मील का प्रयोग किसके लिए करते हैं तो नौ संचालक नॉटिकल मील का प्रयोग अपनी जो दूरी है उसको पता करने के लिए करते हैं तो दोस्तों ये देखिए ढाई सौ क्वेश्चन मैंने कितनी स्पीड में आपको कवर कराया कि पता ही नहीं चला कि कब कंप्लीट हो गए तो कैसे लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लाइव क्लास में जरूर जुड़ें लाइव क्लासेज आपके लिए काफी फायदेमंद है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस को आप चेक कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपना ख्याल रखें मस्त रहें स्वस्थ रहें जहां भी रहें जबरदस्त रहें बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम जी पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं लेटेस्ट प्रश्नों का एक सेट अगर आपने तैयारी करके रखी है तो असली आपकी तैयारी चेक टेस्ट सेट पेपर लगाने में होती है रैंडम क्वेश्चन लगाने में होती है तो चलिए वीडियो पूरा देखिए और चेक करिए कितने क्वेश्चन आपसे बन पाते हैं तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए है तो वर्ष उन्नीस में प्रस्तुत बॉम्बे योजना में कितने उद्योगपति शामिल थे तो उन्नीस में प्रस्तुत बॉम्बे योजना में कुल आठ उद्योगपति शामिल थे ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सारे क्वेश्चन की डिटेल्स में रात में नौ बजे वाली क्लास में बताऊंगा तो आप चैनल सब्सक्राइब करके लाइव क्लास में भी आ सकते हैं। दाल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है तो दाल के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है पानी का चढ़ना एक ही क्रिया का उदाहरण है बतलाइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सत्य होगा तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोनों एक ही प्रक्रिया है ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए तो सत्य कथन है ऑप्शन नंबर उपरोक्त दोनों कांच एक ठोस रूपी द्रव है और कांच की कोई क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती तो दोनों कथन सत्य है प्रश्न के लिए अगला क्वेश्चन सामने है, आपके पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला क्लोरोफिल प्रकाश में किस रंग को ग्रहण नहीं करता है तो पौधों की पत्तियों को पाया जाने वाला क्लोरोफिल जो है प्रकाश के हरे रंग को ग्रहण नहीं करता है उसे परावर्तित करता है और हमें इस कारण से पौधे हरे दिखाई देते हैं विज्ञान की शाखा को क्या नाम दिया गया है जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत का अध्ययन करते हैं तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत का अध्ययन विज्ञान की शाखा कॉस्मोगोनी में करते हैं ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है विश्व पर्यटन संगठन डब्ल्यू का मुख्यालय निम्न में से किस स्थान पर स्थित है तो विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय मैड्रिड में स्थित है ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विश्व टेलीविजन दिवस की तारीख क्या है जो कि वर्ष उन्नीस से प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है तो विश्व टेलीविजन दिवस की तारीख जो कि उन्नीस से प्रत्येक वर्ष मनाते हैं वह है इक्कीस नवंबर अगला क्वेश्चन है किस धार्मिक पर्यटन स्थल को बिरला परिवार द्वारा बनवाया गया था तो धार्मिक पर्यटन स्थल जिसको बिरला परिवार के द्वारा बनाया गया है लक्ष्मी नारायण मंदिर जिसको बिरला मंदिर के भी नाम से जानते हैं हर शहर में हर जिले में एक मंदिर है बरेली नगर निम्न में से किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो बरेली नगर जो है यह राम गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की त्रिज्या इनमें से कितनी है राइट आंसर क्या हो जाएगा तो पृथ्वी की त्रिज्या जो है यह छह हजार माफ करिएगा इकहत्तर किलोमीटर है ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है राइट आंसर क्या हो जाएगा तो विटामिन डी का नाम है जो कि हड्डियों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है राइट आंसर हो जाएगा मानस की रचना इनमें से किसने की थी तो रामचरित मानस की रचना जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को सूर्य की तरफ अत्याधिक झुके होने के कारण लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जानते हैं तो हमारे सौरमंडल का वह ग्रह जो सूर्य की तरफ अत्यधिक झुका हुआ है उसे अरुण ग्रह या लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जानते हैं हैदा नामक जनजाति इनमें से किस देश की है तो हैदा नामक जनजाति जो है यह निवास करती है अमेरिका में ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सैडल पीक जो कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है इसकी ऊंचाई कितनी है तो सैडल पीक जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है इसकी ऊंचाई है 730 मीटर ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है पर्यटन के क्षेत्र में प्रमुखता के कारण राजस्थान में स्थित किस स्थान को राजस्थान के शिमला के नाम से संबोधित किया जाता है तो राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहते हैं ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा प्रधानमंत्री पद से हटाए गए माफ करेगा अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए गए प्रधानमंत्री पद से भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया गया था पद से इनका नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगला प्रश्न आपके सामने है भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष इनमें से क्या है तो भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष एक जुलाई से तीस जून के बीच में होता है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य जिसका सबसे अधिक नगरीकरण हुआ है राइट आंसर क्या है तो भारत का वह राज्य गोवा है जिसका सबसे अधिक नगरीकरण हुआ है इन चार ऑप्शन में से अगला क्वेश्चन है सभी धातु विद्युत की कुचालक होती हैं लेकिन निम्न में से कौन एक अधातु इस वाक्य का अपवाद है क्योंकि वह अधातु होते हुए भी विद्युत की कुचालक है तो राइट आंसर हो जाएगा इस के लिए यहाँ पर ग्रेफाइड प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सभी अधातु विद्युत की कुचालक है लेकिन ये अधातु होते हुए भी विद्युत की सुचालक है ये कुचालक होनी चाहिए लेकिन कुचालक नहीं ये सुचालक है इसमें से करंट पास होता है निम्न में से किस पदार्थ को कांच में मिश्रित करने पर कांच का रंग नीला नहीं होगा राइट right आंसर क्या है तो पदार्थ जो कि कांच में मिश्रित करने से कांच का रंग नीला नहीं होगा माफ करिएगा हरा नहीं होगा वह है मैग्नीज डाइऑक्साइड मैग्नीज डाइऑक्साइड कांच में मिश्रित करने से कांच का रंग हरा नहीं होगा मुगल काल में बादशाह को बादशाह के नियंत्रण में आने वाली भूमि को क्या कहते थे तो मुगल काल में बादशाह के नियंत्रण में आने वाली भूमि को खालसा भूमि के नाम से जानते थे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कूका आंदोलन का संबंध भारत के किस राज्य से है तो कूका आंदोलन जो है यह पंजाब राज्य से संबंधित है ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सौ चूहों की बजाय एक शेर का शासन उत्तम है यह निम्न में से किसका कथन है तो सौ चूहों की बजाय एक शेर का शासन उत्तम है वॉल्टेयर ने बात कही है ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा अंटार्कटिका तो पर द्वितीय भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना किस वर्ष हुई थी तो अंटार्कटिका पर द्वितीय भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना जो है यह 1989 में हुई थी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा गुजरात के किस जिले को भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है तो गुजरात का वह जिला जो भारत का मैनचेस्टर कहलाता है वह है अहमदाबाद ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा उन्नीस से 2002 तक भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे तो उन्नीस से 2002 तक भारत के उपराष्ट्रपति कृष्णकांत जी थे ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा निम्न में से भारत के किस राज्य में विधान परिषद विद्यमान है तो भारत के राज्य जिसमें विधान परिषद विद्यमान है वह है ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सही उत्तर है इसमें विधान परिषद विद्यमान है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रासायनिक यंत्र माफ करिएगा निम्न में से कौन सा यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है सही उत्तर क्या हो जाएगा तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में इनमें से कौन बदलता है तो सेल बदलते हैं कैसे सेल के अंदर अलग अलग प्रकार के केमिकल्स रहते हैं वो केमिकल्स आपस में क्रिया करके विद्युत उत्पन्न करते हैं जिसके द्वारा हम उनका उपयोग किए उपयोग करते हैं विद्युत के लिए जैसे रिमोट में सेल डालने पर रिमोट चलता है तो इससे हम कह सकते हैं कि रासायनिक ऊर्जा संग्रहित रहती है सेलों में और वो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है तो दोस्तों ये थे थर्टी क्वेश्चन के वीडियो टेस्ट सेट पेपर सीरीज आगे यूं ही चलती रहेगी ये क्वेश्चन मैं कल दूंगा आपके लिए तो कल के क्वेश्चन देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक करना ना भूलें और अपने ग्रुप में शेयर जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम जी के पर मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ तीस साइंस के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिनको आप बेसिक भी मान सकते हो और बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न भी है ये ये प्रश्न याद कर लीजिए क्योंकि इनमें से दो या पांच क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में देखेंगे ही दिखेंगे तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं हर एग्जाम के लिए मास्टर वीडियो है रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो मास्टर का भी मास्टर वीडियो है क्योंकि रेलवे का ये बहुत ही प्रारा प्रश्न पत्र सेट पेपर है चलिए तो आज का ये वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के सबसे पहला प्रश्न है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी तो चैडविक साहब ने न्यूट्रॉन की खोज की थी ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक जिप्सम का रासायनिक सूत्र है तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगला प्रश्न है रेडियो धर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं रेडियो धर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा रेडियो धर्मी तत्व अल्फा बीटा और गामा विकरण का उत्सर्जन करते हैं सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइलॉन इनमें से कैसे बनाई जाती है नाइलॉन जो है इनमें से कैसे बनाई जाती है तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नाइलॉन पॉलीएमाइड से बनाई जाती है ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्न है रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी तो रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज जो है ऑप्शन नंबर सी हेनरी बैकरोल साहब ने की थी ऑप्शन नंबर हेनरी बैकरोल सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है समन वस्त्र इनमें से किससे बनाए जाते हैं तो समन वस्त्र जो है यह बनाए जाते हैं एसबेस्टॉस से ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एसबेस्टॉस राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो सक्रियता की यूनिट क्या होती है तो रेडियो सक्रियता की यूनिट जो है ऑप्शन नंबर क्यूरी डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्यूरी रेडियो सक्रियता की यूनिट है अगला क्वेश्चन आपके सामने है कौन सी अक्रिय गैस समुद्री गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर उपयोग की जाती है तो अक्रिय गैस जो श्वसन के स्थान पर वायु में मिलाकर नाइट्रोजन के स्थान पर उपयोग की जाती है तो वह है हीलियम गैस ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर है नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः इनमें से क्या माना जाता है सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः इनमें से क्या माना जाता है तो इसे हम सोडा के नाम से जानते हैं ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है सूर्य से आने वाली परावे विकरण किस परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है तो सूर्य से आने वाली परावेग्नी विकरण जो है यह ओजोन परत की उपस्थिति के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्साइड किसका अयस्क होता है तो बॉक्साइड जो है यह एल्यूमिनियम का अयस्क है सही उत्तर है अगला क्वेश्चन है वाटर गैस किसका मिश्रण होती है राइट आंसर क्या हो जाएगा तो वाटर गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होती है राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा आप सभी चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि चैनल पर लाइव क्लासेस भी होती हैं अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो ग्रीन हाउस गैस इसमें से नाइट्रोजन नहीं है बाकी सभी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है इसीलिए ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है तो यहाँ पर लोहे का खनिज जो है यह हेमाटाइड है है ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के ऊपर की सतह ओजोन की परत किससे बचाव करती है तो पृथ्वी के ऊपर की सतह ओजोन की परत जो है यह परावेग्निक विकरण से हमारा बचाव करती है जिससे त्वचा का कैंसर ना हो सके अगला क्वेश्चन है जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन आता है तो जंग लगने पर लोहे का भार जो है यह बढ़ता है ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पेनिसिलिन का आविष्कार इनमें से किसने किया है तो पेनिसिलिन का आविष्कार जो है यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर है नीला थोथा इनमें से किसे कहते हैं तो नीला थोथा जो है यह कॉपर सल्फेट है ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कॉपर सल्फेट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूध इनमें से किसका उदाहरण है दूध किसका उदाहरण है तो दूध एक प्रकार से पायस का उदाहरण है सही उत्तर हो जाएगा पायस का उदाहरण है नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सामान्य ताप पर द्रव्य है या द्रव अवस्था में है या द्रव्य है तो राइट right आंसर हो जाएगा इनमें से सामान्य ताप पर द्रव्य पारा है राइट right आंसर हो जाएगा जिसे हम थर्मामीटर इन सब में देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्यूज तार इनमें से किसकी बनती है फ्यूज right तार तो धातु, धातु इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन अर्ध चालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है तो अर्थ चालक की भांति ट्रांजिस्टर में इनमें से प्रयोग किया जाता है किसका तो यह है जर्मेनियम ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पेट्रोल की आग बुझाने का उत्तम साधन इनमें से क्या है तो पेट्रोल की आग बुझाने का उत्तम साधन ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा बालू ऑप्शन नंबर बालू प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर सी पेट्रोल की आग बुझाने के लिए बालू का ही प्रयोग करते हैं इसीलिए आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पर बाल्टियों में बालू भरकर टांगे रहते हैं जिससे कभी ऐसी घटना हो तो तुरंत उससे निजात पाया जा सके निम्नलिखित में से किन तत्वों के द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त किए जाते हैं तो आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं स्ट्रॉनशियम और बेरेलियम के द्वारा लाल और हरा रंग जो है और बेरेलियम के द्वारा जो है ये है ये प्राप्त होता ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पटाखे के फूटने के बाद में जो रोशनी निकल कर आती है लाल और हरी इन्हीं के कारण से होती है वह सही उत्तर हो जाएगा स्ट्रॉनसियम एंड बेरेलियम प्रश्न का सही उत्तर है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अगला प्रश्न है टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए इनमें से किसका प्रयोग करते हैं टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए इनमें से किसका प्रयोग करते हैं तो टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए हम प्रयोग करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है पानी का अधिकतम घनत्व कितने पर होता है राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए तो पानी का अधिकतम घनत्व जो है यह चार डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से ग्रीन हाउस प्रभाव पर ज्यादा असर कौन डालता है तो ग्रीन हाउस प्रभाव पर ज्यादा असर जो है कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं है राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए तो हीरा ग्रेफाइड कोयला ये सब कार्बन से संबंधित है इनमें से कोई नहीं आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि सभी में कार्बन है लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन विद्युत का चालक है तो विद्युत का चालक इसमें इसमें लवण युक्त जल है क्योंकि प्लस आयन और माइनस आयन रहते हैं और इन्हीं दोनों आयनों की उपस्थिति से करंट जो है प्रभावित होता है तो राइट आंसर है इनमें से विद्युत का चालक क्या है तो लवण जल यानी कि नमक युक्त जल राइट आंसर है यह चालक है विद्युत का तो दोस्तों ये थे तीस क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट पेपर कैसे लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं चैनल पर सब्सक्राइब करना भूले लाइक शेयर जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद